रणबीर कपूर के साथ सात फेरे लेने के बाद फिल्म की शूटिंग करेंगे आलिया भट्ट। मिड अप्रैल में होंगी अमेरिका रवाना। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी शादी को लेकर काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं। वैसे तो बॉलीवुड की कई फेमस जोड़ियों ने पिछले कुछ सालों में शादी की है, लेकिन अब सबकी निगाहें सिर्फ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी पर टिकी हुई है। ऐसे में इस कपल की शादी को लेकर भी लंबे समय से खबरें आ रही हैं। रणबीर और आलिया भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी पक्की बात नहीं बताई है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो 17 अप्रैल को रणबीर और आलिया शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब खबर आ रही है कि शादी के बाद आलिया अपना कौन सा पहला प्रोजेक्ट शूट करने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रणबीर के साथ सात फेरे लेने के बाद आलिया भट्ट हॉलीवुड की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगी। कहा जा रहा है कि मई के महीने में आलिया हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग करने वाली हैं। अपनी शादी के बाद मिड अप्रैल में आलिया शूटिंग के लिए अमेरिका चली जाएंगी। आलिया भी बॉलीवुड के बाकी स्टार्स की तरह ही हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्ट्रेस हॉलीवुड की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ वंडर वुमन फेम गैल गडोत भी नजर आएंगी। आलिया ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा था, मैं सिर्फ बॉक्स टिक करने के लिए इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा मौका चाहिए जिसमें रोल अच्छा हो, दिलचस्प, डायनामिक हो, स्टार कास्ट बढ़िया हो, जो एकदम नया हो और देखने लायक हो। वहीं आलिया के अगर दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो वो ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली है। इस फिल्म में पहली बार आलिया और रणबीर की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आएगी। रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद का हाथ थामे एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, ट्रोल्स बोले बुढ़ापे का प्यार। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों अपने रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में है। खबर है कि सुपरस्टार ऋतिक रोशन इन दिनों सिंगर सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। डेटिंग के रूमर्स के बीच रूमर्ड कपल अक्सर एक साथ स्पॉट हो जाता है। इन दोनों ने ही अभी तक न इन खबरों का खंडन किया है और न ही इसकी कन्फर्मेशन दी है। बावजूद इसके जब ये दोनों एक साथ स्पॉट होते हैं, इनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। हाल ही में फिल्म स्टार ऋतिक रोशन मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ स्पॉट हुए, जहां दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चल रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद लोग ऋतिक रोशन को बुरी तरह ट्रोल करने लगे हैं। कुछ लोगों ने तो कमेंट करके ऋतिक रोशन के साथ पुराने फेयर्स का कच्चा चिट्ठा तक खोल दिया है। वैसे आपको बता दें, आजकल ऋतिक रोशन अपने काम से भी ज्यादा सबा आजाद के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सुर्खियों में है। वैसे उनके हाथ में विक्रम वेधा जैसी फिल्म भी है, जिसको लेकर के वो उतनी चर्चाओं में नहीं है। लेकिन हाँ, इन पर जब फैंस के रिएक्शन आते हैं और सबा आजाद को लेकर जब बात होती है तो लोग काफी ज्यादा नोटिस करते हैं। खैर, सबा आजाद ने हाल फिलहाल में जब ऋतिक का लुक विक्रम वेधा के लिए रिलीज किया गया था, तब उन्होंने कमेंट भी किया था। लोगों ने सबा आजाद के कमेंट पर हेलो भाभी लिखना भी शुरू कर दिया था। कुछ ने हेलो फ्यूचर भाभी का भी कमेंट किया। उसके बाद से इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। वैसे आपको बता दें, सबा आजाद के लिए ऋतिक की फैमिली वाले भी अक्सर एफर्ट्स करते हुए दिखाए जाते हैं। सबा के बीमार पड़ने पर ऋतिक की फैमिली ने उनके लिए उनके घर पर खाना तक पहुँचाया था। 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी रणबीर और आलिया की शादी की रस्में। चार सालों तक एक दूसरे को डेट करने, अच्छे से समझने और एक दूसरे के प्यार में डूब जाने के बाद अब आलिया और रणबीर शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भट्ट परिवार और कपूर परिवार में शहनाई बजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वेडिंग डेट, वेन्यू, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, लेकिन दोनों ही परिवारों ने चुप्पी साध रखी है। वहीं रह रहकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। अब खबर है कि शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए वेडिंग प्लानर को सभी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। खबर है कि प्री वेडिंग सेलिब्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होकर के 16 अप्रैल तक चलेगा और 17 अप्रैल को ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध जाएगा। भट्ट परिवार और कपूर परिवार दोनों ही इस फंक्शन को परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लिहाजा संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्मों में परिवार के लोग और आलिया व रणबीर के करीबी लोग शामिल हो सकते हैं। सभी सेरेमनीज आरके हाउस में होंगे और शादी भी यही होगी। वहीं आलिया भट्ट शादी के हर फंक्शन में बेहद खास दिखना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए उन्होंने मनीष मल्होत्रा और सव्यसाची से कांटेक्ट किया है। आपको बता दें, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर चार साल से रिश्ते में हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान नजदीक आए। रणबीर कपूर के बर्थडे पर आलिया ने इस रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस किया। काफी समय से इनकी शादी की खबरें आ रही हैं और अब ये दोनों फाइनली शादी करने जा रहे हैं। ये शादी मुंबई में ही होगी।